तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के लाहौर की अदालत में आजाद थींदे ही बे केस में गिरफ्तार किया वो लाहौर में एंटी करप्शन पुलिस हथा तरक्याती मनसूबन में मुबैना करप्शन इख्तियार नाजायज इस्तेमाल के केसन में गिरफ्तार पीटीआई सदर चौधरी परवेज इलाही के अदालत में पेश किया वो अदालत परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड वाली दरख्वास्त रद्द कर गुजरात तरक्याती मनसूबन वे केस में खेस बरी कर अदालत में आज़ादी मारण बाद एंटी करप्शन पुलिस परवेज इलाही के गुजरावाला में दाखिल केस में बीहर गिरफ्तार करे वरतो परवेज इलाही पान के बेगुनाह करार दे छो संदस वड़ा है तो हू बेगुनाह ए पाक फौज जो हामी है का प्रेस कॉन्फ्रेंस न कंदो पीटीआई में आहे उन में ही रहंदो। पंजाब के अगुणे वे वजीर उस्मान बोजदार भी सियासत छड़ने का ऐलान कर छोड़ो। उस्मान बोजदार 9 मई वारन वाक्य की मजम्मत कर फौज से गड पैरियां भी हुआसी हाँ भी फौज से गड आयो जिन बेगुनाहन के गिरफ्तार किया वो है उन्होंने नरमी कई वे खेन आजाद कई वे सभी स्टेक होल्डर्स के दरख्वास्त है पाकिस्तान की बेहतरी जो सोचन। नव मई के विगोड़न भंडराज केसन में तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार औरतन जेल में बदसलूकी की तरदीद कर छी गिरफ्तार औरतन के लाहौर की अदालत में पेश किया वो अदालत में पेशी का अग पीटीआई की गिरफ्तार औरत अगवान सनम जावेद खान जेल में तशद्दुद वारन इल्ज़ाम की तरदीद कंदे चयो तो जेल में साणन का भी ज्यादती ना थी छो तो उन्हें कुछ किया ही ना ज्यादती छो थी उनकी कड़ी ज्यादती थी सके थी असा के बेगुनाह जेल में रखो वो है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस जस्टिस खाजी फायज ईसा जो सोशल मीडिया से चीफ जस्टिस उमर अताब इंदियाल से सलाम नकण बाबत वायरल थियल वीडियो से वजाहती बयान जारी। जस्टिस खाजी फायज ईसा जो चवण है तो वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस की अलबरदारी तकरीब दौरान जस्टिस इकबाल हमीद रहमान की घरवारी वट पो खेस मुबारक डिनई शरई अदालत के चीफ जस्टिस से मिलने का अग हु चीफ जस्टिस उमर अताब इंदियाल से भी मिलो कें वीडियो ठाही यो गलत तासर दिनों त उन जस्टिस उमर अताब इंदियाल के सलाम न कयो मीडिया में गलत खबरों हलाई वही वाहन वे गैर जरूरी गलत फहमियों नुकसान जो सबब बणजंदी वाहन। वजीर आजम शहबाज शरीफ बिन डीह के दौरे से तुर्किया रवानो थी वो वजीर आजम सुबह तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दगान की हलफ बरदारी तकरीब में शिरकत करण से गड तुर्किया के सदर समेत बेन अहम शख्सियत से मुलाकात पिड़ कंदो। वजीर आजम 1100 अरब रुपये की तरक्याती बजट की मंजूरी दिनी है वफाकी वजीर हसन इकबाल की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस चवे तो नाणे वाली वजारत 700 अरब रुपये की तरक्याती फंड्स की तजवीज दिनी हुई 950 DSPD के 150 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत जारी थींदा। गुजरियल हुकूमत 1000 अरब रुपये की तरक्याती बजट की मंजूरी दिनी हुई अज वरी असा वरी तरक्याती बजट की मंजूरी दिनी है। IMF 6 अरब डॉलर के कर्ज लाए शर्तन में नरमी वाली पाकिस्तान की दरख्वास्त रद्द कर छी कौमी असेंबली के नाणे बाबत स्टैंडिंग कमेटी में पॉलिसी बयान कंदे ममलिकती वजीर आयशा गोस पाशा जो चवड़ा है तो पाकिस्तान वट इन वक्त IMF दां वन का सिवाय को हल ना है। पाकिस्तान IMF के दरख्वास्त कई हुई तो 6 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम लाए डिनल शर्तन में नरमी करे पर इदारे उन इतफाक न कियो। सिंध के वे वजीर मुराद अली शाह अठुल में पुलिस के मुबैना मुकाबले में मारियल नौजवान सदाम लाशारी वे मामले की अदालती जांच जो हुक्म दई छो कानून वाली वजारत के खत भी लिखी छदई सदाम लाशारी के 4 गोलियों लगल हैं ब सीने ब गोलियों लगल हैं जिसम के बेन हिस्सन से गोलियों लगल हैं जे राइफल जो हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पधरी रिपोर्ट में जाना वो है सदाम के गोलियों लगने सबब जिसम के मुख्तलिफ हिस्सन से 8 जख्म थे सदाम जो बई पासरियों भगल हैं संदस मौत फिफड़न मादे वे आंड्रे के फाटन सबब थो है।
पुलिस के जुड़तू मुकाबले में मारल नौजवान सदाम लाशारी के वाके खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहर में एहतजाज जो सिलसिलो भी जारी है। हिंगोरजा में 2.5 महीना अग अगवा थी वेल मासूम बारड़ो जाफर भुट्टो बाजियाब न थी सको। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख बारड़े जाफर भुट्टो के अगवा जो नोटिस वठी छो। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खैरपुर डी आई जी सखर एस एस पी खैरपुर का रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस समूरन ऑफिसर का बिन डीहन अंदर रिपोर्ट पेश करण जो हुक्म दई छो। बारड़े जाफर भुट्टो की बाजियाबी लाई वारिस सियासी समाजी धुरियों सरापा एहतजाज बण। सिंध हुकूमत जो लियारी एक्सप्रेस वे ते पीपल्स बस सर्विस जे नॉन स्टॉप सर्विस शुरू करने जो फैसलो इतलात ट्रांसपोर्ट ए मास ट्रांजिट वारे सूबाई वजीर शर्जील इनाम मैमण की सदारत हेठ अहम इजलास। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ए मोटरवे पुलिस पारा लियारी एक्सप्रेस वे ते ट्रैफिक की रवानी बाबत आगाही। लियारी एक्सप्रेस वे ते शुरुआती तौर ते टेस्ट बस हलायण ए सर्विस शुरू करण बाबत सर्वे करण जो भी फैसलो कयो वयो। शर्जील इनाम मैमण चयो है त लियारी एक्सप्रेस वे ते पीपल्स बस सर्विस हलण सां बाकी रोडन रस्तन ते ट्रैफिक जो दबाव घटी वो। सिंध के तालीम खाते अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स की खाली जायन ते भर्ती करण जो फैसलो करे छो। ईसीटी के खाली पयल 1500 जायन ते थर्ड पार्टी टेस्टिंग तरीकेकार तहत भर्ती करण की हिदायत। सूबाई वजीर सैयद सरदार अली शाह चयो है त पॉलिसी तहत अर्ली चाइल्डहुड टीचर की नौकरी फीमेल उम्मीदवार के लिए मुख्तस है। बारड़न की अर्ली स्कूलिंग की जरूरत के महसूस कदे तालीम वाले खाते अर्ली चाइल्डहुड क्लासों की शुरुआत कई। ईसीटी जे सर्विस स्ट्रक्चर ए प्रमोशन जा रूल्स छाया वन। उमरकोट में औरत जो पुरसरार मौत। पुलिस मुड़स ई सोहरे के गिरफ्तार करे वरतो। मुंजी धीव के कतल करे लाश टांकी में फिटो करे वाके के आबगा जो रंग दिनो वयो। औरत जे वाले जो इल्जाम समेजा पाड़े में औरत छुट्टा जाल रमजान समेज जो पानी की टांकी में लाश मिलो है। पोस्टमार्टम का लाश वारसन हवाले। मकसूदो रिंद वेझो अगवा का कतल कल बारड़ी जोहरा कुंभर सा ज्यादती की तस्दीक। मेडिको लीगल पारा जहर दई कतल करण जो शक जाहिर। पोस्टमार्टम का मासूम जोहरा कुंभर जो लाश वारसन हवाले। मरीजन में बासर शख्स पांजी अदालत लगाई छी। बैटरी चोरी के इल्जाम हेठ नौजवान से वहशियानो तशद्दुद ई तजलील। बासर नौजवान राशिद राजपूत के बिजली जा करण डियण ई वहक वारी जाए ते डंडा ई लोही पाइपन सां तशद्दुद कयो। बासर नौजवान के औताक ते रसन सां बधी उभतो टंगे सख्त तशद्दुद ई तजलील जो निशानो बणायो। वालिद मुजिब बैटरी चोरी जो इल्जाम लगाए बेरहमानो तशद्दुद करण बाद पुट की तजलील कई वई आहे। इंसाफ कयो वञे। गोसपुर वेझो कच्चे के इलाके गोठ मूसा लोलाई में बिन धुरियन में पुराने तकरार था छेड़ो। नौजवान कतल लोलाई बरादरी के बिन्हीं धुरियन के माण के एक बे मथा जदीद हथियार से फायरिंग। साहिब खान ए तालिब लोलाई मारजी व्या। छिकताण तेज थी वही फायरिंग हलंदड़ वधिक रतो छाण जो खदशो। बख्शापुर थाने की हद गोठ दाद मोहम्मद बंगवार में मुबैनाकार इल्जाम हेठ जवाबदार पहेंजे सोट के कतल करे छेड़ो। जवाबदार जाज़ बंगवार बंदूक जा फायर करे मसमात नाज़ा के कतल कियो। ठटे वेझो कराची का पिकनिक तियाल बाड़ी वाटर पार्क में बुड़ी फौत। फौती बाड़ी की सुजाणप मलीर के मदीना कॉलोनी वासण मिन्हा धी समंतौर थी। सिंझोरो भरसां धनार मोहम्मद जुमन विरोही रावतियाणी शाख में मेहू चारण दौरान बुरी वयो।
कोयटिया भरसा कमराणी रोड से घर अंदर पानी की टांकी में चार जणा बुडी फोत, एक जणो टांकी साफ कंदे बुडी वियो, ब्या बचाण लाए लथा तो उहे भी बुडी फोत थी विया। पुलिस मौजब पानी की टांकी में औरत समेत चार जणा बुडी फोत थी विया हैं। बुडी वियलन में हमीद खान, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद अली और एक औरत शामिल। इलाके में सोग की लहर। खुशदार वेझो एमएट शाहराह ते बलूचिस्तान के जाबलू इलाके वंगो ते वैगन टायर बस थियण सबब कल टी जणा फौत थी विया, 18 जणा जख्मी। थाने बुलाखान वेझो टोंग वारे इलाके में बोहसा भरल ट्रक कल टी, एक जणो फौत, चार जख्मी। फौती की सुणप पोरियत इमरान लालाणी तौर थी। जख्मी के कराची अस्पताल मुंतकिल किया वो। करमपुर भरसा इंडस हाईवे से मुसाफिर वैन कल टी, औरतन बार समेत 10 जणा जख्मी। करमपुर और खानपुर के अस्पताल में जख्मी मुंतकिल किया वह। कुछ जख्मी के गंठ जोगी हालत में सखर रेफर किया वो। मीरपुर माथिले भरसा कौमी शाहराह से मोटरसाइकिल और ट्रॉलर में टक्कर, एक जणो फौत थी वो। फौती की सुणप रेतीवासी बरकत चाचड़ तौर थी। ठठे वेझो थहीम गोठ स्टॉप वट बस कल्टी, 13 का वधिक मानू जख्मी। हादसे जो शिकार कराची खा किंझर घुमण लाए वनी रहा हुआ तो हादसो पेश आयो। जख्मिन के रूरल हेल्थ सेंटर घारो पहुंचाए वो। पंजन जणन जी हालत गणती जोगी बुधाई पई वने। जख्मिन जो ताल्लुक मलीर सा बुधाया पयो वने। शहीद प्रोफेसर अजमल सावन के कत्ल। थरी मीरवा में कतल थियल अरशद शर, हैदराबाद में कतल थियल अशफाक शर, ठुल में पुलिस मुकाबले में मारियल नौजवान सदाम लाशारी के कातलन की गिरफ्तारी ला। थरी मीरवा में सियासी समाजी धुरन सहाफिन की रैली। वरी अंग में शहरी शरी कतल के वाकिन में मुलविस जवाबदारन के गिरफ्तार करे सजा दियण जो मुतालबो। सखर पुलिस संग्रार वासण प्रिया कुमारी के 22 महीना गुजरण बावजूद बाजियाब न कराए सकी। संदस वारिस मायूस थी। संग्रार मां पंजा अबाणा घर छड़े सखर पहुंची व्या। चीफ जस्टिस जे नोटिस बाद आईजी तरफा बारुड़ी प्रिया कुमारी जी बाजियाबी लाए जुड़ियल जीआईटी को बूटो न बारे सकी। मुगवी बारुड़ी जी अमर जा हाल हीणा थी व्या। उस्तादन के भर्तियों के लिए आईबीए टेस्ट में 33 का 39 मार्कू खणदड़ उम्मीदवार के हार्ड एरिया सॉफ्ट एरियाज जो जवाब जानाए नजरअंदाज करो मामलो। सिंधाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में रुकनी बेंच बुधनी कई। तालीम वो सेक्रेटरी अकबर लगारी बया पेश। अदालत सारी सिंध में उस्तादन के वधिक भर्तियों से कार्रवाई रोके छी। अदालती हुक्म का कें भी उम्मीदवार के ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी न किया वे। दादू जी अदालत में उमिर उबाब चांडियो के टिन घर भातियों के कतल केस की बुधनी सुभाने ताई मुलतवी। उमिर उबाब चांडियो केस की फरियादी परवेज चांडियो सा गड अदालत में पेश। इल्जाम हेठ आयल एमपीए भायर सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो भी अदालत में पेश। केस में गिरफ्तार जवाबदार अली गुहर मुर्तजा, जुल्फकार सिकंदर चांडियो और उन वक्त के एसएचओ करीम चांडियो के पुलिस अदालत में पेश किया। फरियादी का गिरफ्तार थल करीम चांडियो के वकील पारा आदे पूछा। उमिर उबाब चांडियो जो चवड़ है तो सरदारन में हर शहर में जलसो रखो है खेन रोको वे। जैसी ताई केस हले तो तेसी ताई सरदारन के मेहर अचण का रोको वे। हुआ जैसी ताई जेरी आहे तेसी ताई केस की पैरवी कंदी रही। सरदार चांडियो चवे तो मेहर केंजे अबे डाडे की मिल्कियत ना है, नई केंजी जागीर है। केंखे असाजो मेहर में अचण पसंद ना है तो घर वेही रहे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल वफाकी वजीर ए पीपीएमएनए खुर्शीद शाह की कामयाबी खिलाफ पीटीआई उम्मीदवार ताहिर हुसैन शाह की दरख्वास्त रद्द कर छी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल चयन सालन का पे खुर्शीद शाह की कामयाबी खिलाफ पीटीआई उम्मीदवार की दरख्वास्त फैसलो बुधाया।